और इनके इस्तीफा देने से कांग्रेस कमजोर नहीं होगा और मजबूत होगा, क्योंकि लोगों को पता चलेगा ऐसे लोग कैसे पार्टी छोड़ करके चलेंगे, रीजन क्या है ये तो बताना चाहिए। एक पार्टी में 48 ईयर्स जिस आदमी ने काम कर रहे हैं, पार्टी में बड़े बड़े पद पे रहे, सब कुछ हुआ, वो पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं, उनको लोगों को बताने की जिम्मेदारी होता है ना। अभी हम लोग नांदेड़ के सारे मेयर सबके सारे हमारे कॉरपोरेटर सब आए, उनको तक नहीं बताया हम क्यों गया है, इसलिए वो लोग सब इधर आने के लिए इधर हम लोगों को मिलने के लिए इधर आए, इसलिए इससे कांग्रेस कमजोर नहीं होगा। वो लोग जानते हैं महा विकास अघाड़ी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीट लेने वाले हैं, और इधर प्रदेश में जब चुनाव होगा सब हमारा सरकार बनने वाले हैं, इसलिए बीजेपी ने कांग्रेस और महा विकास अघाड़ी को कमजोर करने के लिए ये सब नाटक कर रहे हैं। ये ड्रामा से कुछ होने वाले नहीं है, महाराष्ट्र का जनता को सब मालूम है, महाराष्ट्र का जनता महा विकास अघाड़ी के साथ रहेगा और आगे चलेगा। मैं आज शरद पवार जी से मिले, परसों उद्धव ठाकरे जी से मिले, हम सारे लोग मिलकर के काम करेंगे, और इस दोनों नेता से हमने जो वार्तालाप जो चर्चा की है उसके मुताबिक आने वाले दिनों में हमारा सीट शेयरिंग पूरा करेगा और हमारा कार्यक्रम अपनाएगा। महा विकास अघाड़ी प्रदेश में एक आंधी के जैसे लोगों के बीच में जाने के लिए तैयार की है। कौन जाने हैं? आप लोग लिख रहे हैं ये जा रहे हैं वो जा रहे हैं करके प्रेस वाले जो दिखते रहते हैं से हम क्या बात करेंगे। आपके पार्टी के नेता ने ट्वीट किया कि महाराष्ट्र के एक नेता भी ट्रस्ट होकर सभी लोग छोड़ के जा रहे हैं। कोई नहीं छोड़ के जाएगा, जो स्वार्थ के लिए कोई जाता है तो इससे कोई हमको कोई परवाह नहीं है, स्वार्थ के लिए या ईडी और सीबीआई के जवाब से कोई जाते तो जाने दो। ये पार्टी हमारे कार्यकर्ता होंगे, हजारों की लाखों की तादाद में कार्यकर्ता पार्टी में है, नेता है हमारे कोई हम इसलिए मैंने बताया आदर्शों को लेकर के हम विचारधारा को लेकर के इस पार्टी में काम कर रहे हैं। अरे उसके हाथ में सब कुछ हमने दी है, बताने की क्या जरूरत। हमने महा विकास अघाड़ी के लोगों से बात करने के लिए अशोक चव्हाण और पीसीसी प्रेसिडेंट और थोराज जी को हमने संबोध दिया था। वी आर गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर थ्री पीपल टू नेगोशिएट विद देम एंड टेक ए फाइनल डिसीजन। ही वॉज पीसीसी प्रेसिडेंट एर्लियर, ही वॉज टू टाइम्स चीफ मिनिस्टर, ही वॉज एम ए मिनिस्टर फॉर 14 to 15 ईयर्स। क्या कांग्रेस ने नहीं दिया उनका क्या? When I am in charge of the state, he was never complained anything against me. Whatever suggestion he had given to me, it has been totally accepted and included in every committee. Sir, he is complaining that nowadays Congress is not showing the zeal to fight election. You know, rather than going on the field, fighting for the main issues, they are having that workshop and all them, which thing doesn't matter. अरे ही वॉज द लीडर, ही वॉज द फेस ऑफ द कांग्रेस हियर, ही वॉज द फॉर्मर थ्री फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण एंड सुशील कुमार शिंदे जी, दे आर द लीडर्स, दे हैव टू लीड। उनको आगे लेके चलना था, वो खुद मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। इतना डरपोक नहीं होना चाहिए, इतना डरपोक नहीं होना चाहिए। मैदान छोड़ करके चलेने वाले को कोई नहीं मानते हैं। ये सोल्जियर है, पार्टी का सोल्जियर है तो उनको मैदान में रह करके लड़ाई लड़ना चाहिए। विरोधी के साथ मिलकर के कांग्रेस को छुरी मारना ठीक नहीं है। कांग्रेस के जन इसको मानते नहीं है, जनता भी नहीं मानेगा ये।